एक आदमी मेरे 32 लोगों को अकेला काट गया। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। तो दोस्तों, जैसे कि सलमान खान की 3 बड़ी एक्शन फिल्मों का इंतजार बेसब्री के साथ तो किया ही जा रहा था, जिनमें है बब्बर शेर, शेर खान, द बुल। लेकिन अब इसी बीच दोस्तों, सलमान खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 4 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। तो क्या कुछ खबर है, क्या कहा है सलमान खान ने AR मुर्गदास से? क्या अब AR मुर्गदास जुड़ने वाले हैं दबंग 4 से? और क्या कहा है हाल ही में अरबाज खान ने दबंग 4 को लेकर? तो कब तक आ रही है दबंग 4? सारी बातों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दबंग 4 बनाने जा रहे हैं, और जहां उनसे दबंग 4 को लेकर पूछा गया क्या दबंग 4 को अटली कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ना मैं अटली कुमार से मिला हूं और ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा है। और कहा ऑलरेडी दबंग 4 की स्टोरी पर काफी टाइम से काम चल रहा है, जो कि 2025 तक फ्लोर पर लाने की प्लानिंग भी है। और इस बात से दोस्तों ये तो कंफर्म है कि 2021 से जो न्यूज आ रही थी कि अरबाज खान दबंग 4 को इस बार बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो बहुत सीरियस है दबंग 4 को लेकर। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा बारीकी से फिल्म को लिखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। हाल ही में AR मुर्गदास ने एक इंटरव्यू दिया है, और इन्होंने बताया कि 5 साल पहले सलमान खान को इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उस वक्त सलमान खान के पास डेट्स नहीं थी। और अब सलमान खान ने एक बार फिर इन्हें खुद अप्रोच किया है और बोला है, जो 5 साल पहले तुमने स्टोरी सुनाई थी उसे कंप्लीट कर लो, एक फिल्म बनानी है। और स्टोरी के प्लॉट के बारे में इन्होंने बताया कि स्टोरी मास एक्शन की होने वाली है, जिसमें सोशल मैसेज भी होगा। अब इस इंटरव्यू के बाद ये कंफ्यूजन है कि AR मुर्गदास के साथ दबंग 4 बनेगी या फिर कोई और फिल्म बनने वाली है। फिलहाल दोस्तों, अरबाज खान ने ये तो कंफर्म कर दिया है, वो डायरेक्टर चाहे किसी को भी ले, लेकिन वो फिल्म 2025 में बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके क्या विचार है, सलमान खान को कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, और आप दबंग 4 के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।